वो दिन पिए रात नहीं पीते पीते गलखानी खत्म। ये तो बहुत दुखद बात है कि शराबबंदी रहते हुए धड़ल्ले से घर घर शराब बिक रही है, और वह भी ठीक आबादी के बीच में। नमस्कार, मैं हूं अंकित मनोहर, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। अभी हम हैं नाकोठी के कलाली टोला में, जो वार्ड नंबर 9 है, वहां हम हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक घर है, कितना गरीब घर है, अभी भी करकट का बना हुआ घर है। यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जिनका मौत हो गया है, क्यों? जहरीली शराब पीने से। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं सुशासन की सरकार, ये नीतीश कुमार बड़ा ताल ठोकते हैं कि हम पूरा शराबबंदी कर चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति की जहरीली शराब पीने से मौत हो जाती है। कहाँ है प्रशासनिक व्यवस्था और व्यवस्था कि एक लगभग 40 सालों के उम्र के व्यक्ति हैं और एक जवान की मौत हो जाती है, पूरा परिवार बिखर जाता है जहरीली शराब पीने के कारण। आप देख सकते हैं उधर एक छोटा सा बच्चा है, कितना छोटा है, देखिए। इसी के पिताजी थे, उनकी मौत हो गई। है बाबू तुम्हारा? करण कुमार। आपके पापा जी का मौत का कारण क्या है? जहरीली शराब पीने से। तो आप देख सकते हैं कितना छोटा बच्चा, क्या उम्र होगा बाबू तुम्हारा? 15 साल। आप देख सकते हैं कि आपको देख कर ये कलेजा फट जाएगा कि ये 15 साल का लड़का है और आज ये करता है। क्यों? क्योंकि इसके पिताजी का मौत हो चुका है जहरीली शराब पीने के कारण, किसी कुव्यवस्था के कारण। और झूठ मूठ का सरकार बार बार बोलती है कि हम शराबबंदी कर चुके हैं, शराबबंदी कर चुके हैं, फिर शराब आ कहाँ से रहा अगर शराबबंदी है? तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था लचर है, लचर व्यवस्था का शिकार हो गया ये परिवार, और ये गरीब परिवार आज उजड़ गया बस जहरीली शराब के कारण। ऐसा कई मामला लगातार बिहार में आ रहा है जिसके कारण जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। उसमें एक नाकोठी के व्यक्ति हैं जिनका परिवार, गरीब परिवार उजड़ गया, जवान आदमी की मृत्यु हो गई इस बात पर कि जहरीली शराब पीने के कारण। तो कहीं ना कहीं प्रशासन है, उनको इस पर संज्ञान लेना होगा, अंकुश लगाना पड़ेगा, और अपनी विफलता पर उनको शर्मिंदगी महसूस करना चाहिए कि उसके उनके कारण एक गरीब परिवार उजड़ गया। चलिए हमको उनके परिवार के परिजन से मिलाते हैं, जिनके जिनके परिवार के सदस्यों का मृत्यु हो गया, जरा उनसे मिलाते हैं आपको। तो आप देख सकते हैं उनकी पत्नी है, हम कैसे इनसे बात भी कर पाए, क्योंकि अभी इतना इनके दर्द होगा दिल में। कारण है कि सामने से इनके पति गुजर गए, जवान है पति, और गुजर गए हैं शराब, जहरीली शराब पीने के कारण। आपको मिलाते हैं जो जिनकी मृत्यु हुई है, उनके भाई हैं, उनसे जरा बात कराते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी संजीत कुमार साहनी। जिनकी मृत्यु हुई उनका क्या नाम है? रंजीत कुमार साहनी। उम्र उनकी कितनी थी? 40। आपके भाई हैं, मृत्यु का क्या कारण था? मृत्यु का कारण जहरीली शराब पीने का कारण बन गया। यहाँ का पुलिस, नावकोटी पुलिस स्टेशन में ऐसा खबर बार बार जाता है, लेकिन पुलिस वाले कभी किसी को कुछ नहीं करने के लिए आते हैं। इसका कारण है कि अभी तक जितना भी मर रहे हैं जहरीली शराब के कारण, और शराब बंद नहीं हो रहा है। सरकार का क्या विफलता नहीं नजर आ रहा है? सरकार का पूरा विफलता है। सरकार ने तो बता दिया था कि पूर्ण रूप से शराबबंदी करेंगे, लेकिन अभी तक शराबबंदी हुआ कहाँ है? अभी भी विफलता ही है, अभी भी वो किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अभी बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन फिर भी लगातार शराब पीने से मौत हो रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी हमारे नावकोठी में भी एक मृत्यु हुई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत दुखद बात है कि शराबबंदी रहते हुए धड़ल्ले से घर घर शराब बिक रही है, और वह भी ठीक आबादी के बीच में। ये शराबबंदी के साथ साथ यहाँ जो है तारीखाना जो है घर और मोहल्ला में, जहाँ पर कि आबादी है वहाँ पर बिकते हैं, और उसी के आड़ में शराब भी बिकता है। तो मैं चाहूँगा कि यह बात प्रशासन तक जाए और इस पर एक्शन हो। कहीं ना कहीं सरकार की जो पूर्ण शराबबंदी का जो ये ताल ठोकती है, अपना एकदम घोषणा करते हैं पूर्ण शराबबंदी कर दे, बाबाई लुटती है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? शराबबंदी तो पूर्ण शराबबंदी तो है नहीं, कहीं ना कहीं ये सरकार की विफलता नहीं नजर आ रही है कि? बिल्कुल। और प्रशासन जो है पंगु नहीं लग रहा है प्रशासन इस पर की? प्रशासन तो बिल्कुल मौन है इस पर, डेली आता है प्रशासन, देखता है, फिर भी जो है मौन नजर आती है प्रशासन। प्रशासन जो है बिल्कुल यहाँ पर संलिप्त नजर आता है, क्योंकि उसके बिना प्रशासन आती है, देख के जाती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के ही इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं, यहाँ के आम जनजीवन के बीच ही रहने वाले सर भी हैं। उनका आपने सुना कि किस तरह से खुली इतनी घनी बस्ती में बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस बात का, इस समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि खुलेआम शराब बिकता है, शराब पीते हैं और जहरीली शराब पीकर मृत्यु हो जाती है। अभी आपको थोड़ी देर पहले हमने दिखाया था कि किस तरह से एक रंजीत सहनी जी हैं, उनका जहरीली शराब पीने से मृत्यु हो गया था।
तो इस तरह से मृत्यु हो रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासनिक और सरकारी दोनों तंत्र का कहीं ना कहीं ये पूर्ण विफलता है। झूठ मूठ का शराबबंदी का ढोंग किया जाता है कि शराबबंदी है, लेकिन शराब धरले से हर जगह बिक रहा है। वार्ड 9 के वार्ड सदस्य विजय कुमार हैं, जरा इनसे जानते हैं अभी कि बिहार में बिहार सरकार कहती है कि हम पूर्ण शराबबंदी कर चुके हैं, बार बार वाहवाही लुटती है। आप बिहार में ऐसा सरकार कहती है कि पूर्ण शराबबंदी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बंदी तो पूर्ण नाम का है, यहाँ तो हर जगह मिल रहा है, मिलने के लिए कहीं बचा हुआ नहीं है कोई समाज, जिस समाज में नहीं मिल रहा है दारू, खुलेआम बिक रहा है, प्रशासन देख रहा है खाली। अच्छा, वार्ड 9 में एक सदस्य आदमी है रंजीत सहनी, उनकी भी हाल फिलहाल मृत्यु हो गई, शराब पीने से ही मृत्यु हो रही है, जहरीली शराब पीने से मृत्यु हुई, उस पर क्या कहना चाहेंगे? तो शराब पीने से मृत्यु हुई है, प्रशासन है सरकार है, इसके शराबबंदी पर आप क्या कहना चाहेंगे? शराबबंदी तो हुआ ही नहीं है, खाली नाम का है, शराबबंदी तो हर समाज में दारू बिक रहा है। कि आप वार्ड जो 9 के हैं, वार्ड सदस्य हैं, इस बार नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य हैं विजय कुमार, उनका बयान सुने हुए सरकार से और सबसे अपील की है, और किस तरह से बिहार सरकार जो शराबबंदी का ढोंग करती है उसका पर्दाफाश हर सरकार से ढोंग करती है कि हम शराबबंदी कर चुके हैं, और शराब गली गली में, हर मोहल्ले मोहल्ले में, हर डिस्ट्रिक्ट, हर जिला, पूरे बिहार में बिक रहा।